द बेस्ट कैप्टन दैट ऑस्ट्रेलिया नेवर हैड, गेंद के साथ वो फिरकी के जादूगर, मास्टर टैक्टिशियन, मतलब इनसे बेहतर खेल की नब्ज को समझना बहुत कम लोगों को आता है, कमाल के लीडर, इंस्पिरेशनल लीडर, जो वो कहते हैं पांचों उंगलियों को मिला के मुट्ठी बनाना जानते हैं, और अनबिलीवेबल ब्रॉडकास्टर, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग आई फॉर द गेम और थोड़ी सी लैटरल थिंकिंग, आई मीन अनबिलीवेबल, शेन वॉन, ही इज नो मोर, हमारे साथ वो नहीं है, और लेजेंड, यू गॉन अवे टू सून, वे टू सून, और हमारा जो खेल का जो जगत है, इट विल बी पुअरर इन योर एब्सेंस, ऑनेस्टली। शेन वॉन के बारे में बात, एक्चुअली जब ये खबर शाम को आई तो शॉक लगा यार, और थोड़ी देर लगी ये समझने में, ये एक्चुअली की डाइजेस्ट करने में, व्हाट रियली हिट अस, शेन वॉन यार, 52 साल का इंसान, ऐसा लगता है कि अभी तो पिछले कुछ समय पहले वो कमेंट्री कर रहे थे, वो कुछ वहां देख रहे थे, उनके बारे में सुन रहा था, वो पढ़ रहा था, एंड सडनली यू रियलाइज कि नहीं है, इज नो मोर, सडनली एक एहसास भी दिलाता है कि यार ये बहुत ही मतलब फ्रजाइल है ये जिंदगी, ऐसे करके चली जाती है, एक मिनट में आप हैं, दूसरे में नहीं, और जब नहीं रहते तो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं माय गॉश, और ये शॉकिंग है। डिफाइंड शेन वॉन फॉर मी, मतलब मेरे साथ में उनके साथ एक्चुअली बहुत कम, इतना सा खेला हूं, और बहुत ज्यादा मैंने उनके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वो उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, जब वो भारत में आए थे तो जब खेल रहे थे, हमारे अगेंस्ट खेल रहे थे, पर मैं तो उनकी बॉलिंग से पहले आउट हो गया था, बट यू रिमेंबर्ड शेन वॉन, क्योंकि शेन वॉन जो सबसे पहले हमारी कॉन्शियसनेस में आए थे, कब आए थे, वो आए थे जब उन्होंने माइक गेटिंग को बॉल डाली थी, वो बॉल टर्न हुई, मतलब डेढ़ गज बॉल टर्न हुई ऑफ स्टंप के बिल्कुल ऊपर, बेल पे जाके लगती है, और बताया जाता है कि भाई ये बॉल ऑफ द सेंचुरी है, क्योंकि इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई रफ था या कोई वो गड्ढे पे बॉल पड़ गई और सडनली वो पिच जो थी वो खुल गई, ऐसा कुछ नहीं था, पड़ने के बाद दैट वॉज जस्ट क्वालिटी, कि हवा में गेंद ऐसे अंदर की तरफ आई जिसने माइक गेटिंग को इस तरीके से खोला, बॉल पड़ी और बाहर चली गई, एज इफ लाइक कि बॉल पे ना वो धागा बांधा हुआ है कि चलो अब इधर जाओ, अब इधर जाओ, और इसके बीच में वो कठपुतली की तरह वो माइक गेटिंग खड़े हैं, ऐसे करके उनको नचाया जा रहा है, दैट वॉज द क्वालिटी। सी वहां से हम सब कहीं जस्ट कैप्चर्ड आर इमेजिनेशन कि यार ये कोई बंदा है जो अनबिलीवेबल है, इसके पास वो स्किल है जिसको देखने में मजा आता है, दैट्स समथिंग विद लेग स्पिन, राइट, कि लेग स्पिन सबसे मुश्किल क्राफ्ट है, सबसे मुश्किल क्राफ्ट, लेकिन जब वो शेन वॉन के हाथ से निकली थी ना गेंद, जब निकलती थी गेंद, आई मीन इट फेल्ट लाइक पोएट्री इन मोशन, की बॉल ऐसे करके इनका कहना मान लिया ऐसे जाती है, फिर इसकी इधर चली जाती है, उसके बाद ये फ्लिपर मारते हैं, उंगली उंगली नहीं डालते ज्यादा क्योंकि शोल्डर में इशू आ गया था, पर जरूरत ही नहीं पड़ी, नॉर्मल लेग स्पिन, थोड़ा राउंड आर्म से, कभी थोड़ा राउंड आर्म से, कभी इधर से, कभी उधर से, आई मीन फिनोमिनल बॉलर, जो कहते हैं ना आर्ट जो है, उस आर्ट, इफ दैट्स एन आर्ट, ही इज द आर्टिस्ट, इफ लेग स्पिन इज आर्ट, शेन वॉन इज द आर्टिस्ट। उसके बाद जो चीज और जो आपके जहन में आती है, एक्चुअली एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था, मैंने कहा ना वो इंस्पिरेशनल लीडर जो होता है, जो मास्टर टैक्टिशियन होता है, ये राजस्थान रॉयल्स की कहानी है, और ये कहानी मुझसे राहुल द्रविड़ ने शेयर की थी एक्चुअली, कि बहुत डिस्कशन चल रहा था, राजस्थान और दिल्ली का मैच था, तब सहवाग दिल्ली से खेलते थे, राजस्थान के कप्तान अभी भी शेन वॉन थे या उस टीम का हिस्सा थे, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, शॉन टेट था उनकी टीम में, तो सब ने बहुत देर से डिस्कशन चल रही है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चलो वीरू को आउट करना है, ये बॉलिंग वो बॉलिंग, पूल साइड पे ये डिस्कशन थी, शेन वॉन बॉक्स इन, पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, तो वीरू को बॉल डालनी है, कह रहे क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, सब ने सोचा कि कहाँ नहीं डालनी है, उनका कट नहीं खिलाना, इसको शॉर्ट और वाइड नहीं डालनी, कहते कल हम ऐसा करते हैं, टेट के पास पेस है, दो स्लिप लगाएंगे, एक फ्लाइंग थर्ड मैन रखेंगे, एक पॉइंट के फील्डर को पीछे फेंक देंगे, और फाइनल लेग का फील्डर अंदर है, और आउटसाइड ऑफ तेज गति से हम इनसे पॉइंट पे छक्के खाएंगे, व्हाट आर यू टॉकिंग, कह रहे ट्राई करते हैं, लेट्स सी, आई मीन इट डिड हैपन, फिरोज शाह कोटला का मैदान है अगर आपको याद हो, तो वो दो स्लिप के साथ पीछे एक थर्ड मैन, पीछे पॉइंट, ऐसे ज्यादा चौका छक्का लगा होगा, और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग गॉट आउट, देन सडनली यू रियलाइज कि देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग, जो लैटरल थिंकिंग है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी थिंकिंग है,
That's what Shane wanted that day. और made Rahul Dravid his fan. Suddenly आपको देखते हो कि यार ये वाली चीज तो मैंने नहीं सोची. जब मैं वीरू के बारे में सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कट नहीं खाना. ये कह रहे कट खाएंगे हम, फिर कट खाएंगे उसके अंदर इस स्पेस पे करेंगे हम गेंदबाजी और ऐसी फील्ड सजाएंगे कि आउट करने के चांसेस बनेंगे. He got dismissed. जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के वहाँ के जरूर बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में जिस तरीके से उन्होंने वो खिलाड़ियों को, चाहे वो रविंद्र जाडेजा को रॉकस्टार बनाया, चाहे यूसुफ पठान को सुपरमैन बनाया, आई मीन, और मेरे को तो याद है वो एक कामरान खान वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे ना, आई रिमेंबर, ये केप टाउन का मैच था, उनसे आखिरी ओवर सुपर ओवर करा दिया यार. आई मीन कर क्या रहे हो ये, मतलब आखिरी वो जो टाई हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, ही बोल्ड दैट ओवर, इन्वेस्टेड सो मच फेथ कि शेन वॉन कह रहे चिंता मत करिए मैं हूँ, और जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड. एक्चुअली भारत में हम तो बड़े मतलब बड़े अतिथि देवो भवा वाला हमारी फीलिंग रहती है. शेन वॉन विद राजस्थान रॉयल्स दैट वन सीजन जस्ट टुक हिम इनटू अ डिफरेंट लीग, मतलब हमारी रिस्पेक्ट जो थी वो मतलब कई गुना शेन के लिए बड़ी. खेल को जो समझना है, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट, जो खेल को समझते हैं, एक बार माइक लगा के वो बिग बैश लीग में बॉलिंग कर रहे थे, सामने से आई थिंक ब्रेंडन मक्कलम थे और वो बता रहे हैं कि इस बॉल पे मैं ये करूंगा, इस बॉल पे मैं ये करूंगा, उसको मैं थोड़ा सा इधर खींच रहा हूँ, इसके बाद ये स्वीप मारेगा और इसके ना पैड पे डंडे पे बॉल लग जाएगी, राउंड द लेग्स में बोल कर दूंगा. आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट शेन वॉन बॉलिंग टू ब्रेंडन मक्कलम, एंड शेन वॉन वॉज ऑलमोस्ट लाइक मतलब ढलान हो चुकी थी करियर की, तब तो बिग बैश लीग स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जब कर रहे हैं तो माइक लगा के एंड ही एग्जीक्यूटेड दैट टू द टी. कैन यू बिलीव इट कि बता रहे हैं कि मैं यहाँ डालूंगा, थोड़ा यहाँ डालूंगा, इसके बाद ऐसे करूंगा और इस करके आउट कर दूंगा. I've been trying to shake the sweet one after that first one, or maybe even go inside out again a bit harder. So I'll try and slide one in there. Past. Well, you called it. Yeah, that worked pretty well. Not bad, BJ. Yes, mate. ये बात मुझे और किसी ने भी बताई है, मुझे वो लेफ्टी आउट किया उन्होंने, आई थिंक एंड्रू स्ट्राउस थे शायद या मार्क बुचर थे, उनको इस तरीके से आउट किया, डाल के गैप में ठक करके डंडे में मारते, चल ये यहाँ छोड़ना भी ड्राइव मारेगा बोल्ड हो जाएगा. आई मीन व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, कि खेल को समझना एक बात होती है, अपने इशारों पे एक बल्लेबाजों को नचाना और खुद एग्जैक्टली बताना कि अब ये गेंद यहाँ गिरेगी, वहाँ गिरेगी और वहाँ से करके ये करेगी और सामने वाला ये करेगा. जीनियस ब्रॉडकास्टिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में वंस अगेन ही वॉज शार्प आए, इनक्रेडिबली शार्प आए. और कई बार आप सोचते हैं कि नहीं यार ये शायद आई डोंट अग्री विद हिज ओपिनियन, ये होता है हर किसी के साथ होता है नो मैटर हाउ मच ही इज प्लेड, पर उनकी जब आप सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो यार देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस राइट, एंड ही इज मेंशनिंग इट राइट नाउ. ये बता रहे हैं कि ऐसे भी इस रास्ते तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, रास्ता एक और भी उपलब्ध है. एंड दैट मेड हिम द जीनियस दैट ही वॉज, कि ही वॉज अ जीनियस. I mean, will remain as one of the finest. इनसे बेहतर आपको लेग स्पिन करने वाले बहुत आए, बहुत जाएंगे, पर तुमसे पहले भी बहुत आएंगे, तुम कहने बाद भी बहुत आएंगे, पर the craft of leg spin, if that was the art, he was the artist. Shane Warne, incredible journey came to an end too early, to be very honest. Or we really wish you well. मतलब आपके परिवार में मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ, दिस इज फॉर हिज फैमिली, मे गिव यू द स्ट्रेंथ टू डील विद दिस ग्रेव लॉस. और मॉर्निंग रेस्ट इन पीस लेजेंड, रेस्ट इन पीस, और यू विल ऑलवेज स्टे अलाइव, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, वी विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर मेमोरीज, बिकॉज आपने जो बहुत यादें दी है ना, यादों को हमने बहुत संजो के रखा, और जब बार बार देखेंगे ना फिर एहसास होगा कि thank you for playing, thank you for the memories, but you went away too soon. Shane.